खबर आ रही है भोपाल से, जहां पर स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर बोले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट 76% है। स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार हो रहा सुधार, कल 175 नए केस आए तो 200 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर गए। पॉजिटिव केस से ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा, प्रदेश में हर दिन 6 से 7 हजार टेस्टिंग की जा रही। दुनिया की एक प्रैक्टिस है, जब जहां कोई कमी दिखाई देती है तो उसके सुधार के लिए हम बाकी के लोगों को कहते हैं। जैसे भोपाल में एक विषय आया कि पेशेंट आया, उसको फीवर हो गया था, उसे पैरासिटामोल दे दी और घर भेज दिया। मान्यता ऐसी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका टेस्ट होना था, फीवर वाले व्यक्ति का टेस्ट होना ही चाहिए। जैसे साजापुर की घटना है, जवान आया और उससे कहा कि ऑक्सीजन लेवल कम है, इंदौर जाओ, तो वो नहीं गया। फिर उसके बाद में घटना घटी तो उन्होंने कहा कि हमें बताना था कि जान को खतरा है। जब इस तरह की शिकायतें आती हैं तो इस तरह की घटना दूसरी जगह ना हो, कोई फीवर में पैरासिटामोल दे के घर ना भेज दे जो फीवर क्लिनिक पे आए उसे। तो ऐसे सुधारों को लेके पत्र निकलते रहते हैं, उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है तो आपने खुद ने भी कहा, मैं भी रोज कहता हूँ कि हमारी जो है डबलिंग रेट 50 के ऊपर हो गई है, रिकवरी रेट हमारी 76 के आसपास आ गई है। तो जब रिकवरी रेट इतनी अच्छी जिस प्रदेश की हो कि हिंदुस्तान में हम टॉप कर रहे हैं, हम लगातार चाहे रिकवरी रेट हो, चाहे डबलिंग रेट हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार की बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं में भी लगातार, चाहे आज हमारे पास कुल 2400 कुछ पेशेंट बचे हैं 2500 के लगभग, आप देखें ये एक्टिव केस हैं वर्तमान के। कल अगर 175 नए केस आए थे तो 200 केस हमारे डिस्चार्ज भी हुए थे, रिलीव होके घर गए थे। बीमार मिलने से ज़्यादा स्वस्थ होने की संख्या हमारी लगातार है। ये तब है जब हम टेस्टिंग 6000 से 7000 रोज कर रहे हैं, इसलिए कोई भ्रम की स्थिति नहीं बने। मैं जो बात कह रहा हूँ वो प्रमाणिक कह रहा हूँ, आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूँ, तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। पूरे भोपाल का ही अलग से कर रहे हैं और हम, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि भोपाल को ही मॉडल बना के पूरे भोपाल में घर घर सर्वे करने का हम अगले हफ्ते में बनाने वाले हैं और पूरी टीमें एक साथ एक दिन में सभी वार्डों में चलेंगी और फिर उसको मॉडल बना के प्रदेश के जो मुख्य शहर हैं 3-4 जहां पर प्रतिदिन केस आ रहे हैं उनमें भी हम इस तरह से एक तरफ से कोरोना किल करने की सोचेंगे। जाऊँ क्या पेट्रोल की अगर बात की जाए? ये वही विपक्ष वाले हैं जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम पेट्रोल डीजल की कीमत कम करेंगे और इन्होंने बढ़ाई थी, तो इन्हें तो अधिकार ही नहीं है इस बात के कहने का। शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों पर पत्थर फेंकेंगे क्या?